नमस्कार दोस्तों, फिर से स्किल इंडिया आइडिया चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ दोस्तों आप लोग मेरी वीडियो सभी वीडियो देख रहे हैं और मुझे खुशी महसूस होती है जब आप एक लाइक करते हो, कमेंट करते हो। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वह है प्लेन वॉशर और स्प्रिंग के ऊपर। मैं आपको यहाँ पे एक बात कहना चाहूँगा, यदि आप MCQ देख रहे हैं, चाहे आप मेरे चैनल से देख रहे हैं या फिर किसी भी चैनल से देख रहे हैं, तो MCQ देखने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमको डिटेल में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। यदि हम डिटेल में पढ़ेंगे उस टॉपिक को और उसके बाद में यदि हम MCQ देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं इस टाइप के जो मैं बनाता हूँ, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो दोस्तों मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप यदि MCQ देखते हैं तो पहले ज़रूर डिटेल में पढ़ लीजिए उसके बारे में। तो चलिए आज का हमारा जो MCQ है वो प्लेन वॉशर और स्प्रिंग के ऊपर है। दोस्तों यदि आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए, कमेंट कीजिए कि क्या उसमें त्रुटि रह गई है, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और कंटिन्यू न्यू नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वॉशर और स्प्रिंग से। प्लेन वॉशर का बाहरी व्यास रखा जाता है, जो प्लेन वॉशर होता है उसका बाहरी व्यास किसके बराबर रखा जाता है? चार ऑप्शन दिए हैं आपके पास। दोस्तों सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, ये होता है 2 × D + 3 mm के बराबर जो होता है वो प्लेन वॉशर का बाहरी व्यास रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है प्लेन वॉशर की मोटाई रखी जाती है, जो प्लेन वॉशर होता है उसकी जो मोटाई होती है वो किसके बराबर रखी जाती है? तो आपको बताना है, चार ऑप्शन दिए यहाँ पे। तो दोस्तों जो प्लेन वॉशर की जो मोटाई होती है वो रखी जाती है D/8 के बराबर, ऑप्शन सी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, D/8। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेम्फर वॉशर का चेम्फर कोण, जो चेम्फर वॉशर होता है उसका चेम्फर कोण कितना डिग्री होता है? जो चेम्फर्ड वॉशर होता है उसका चेम्फर कोण आपको बताना है कि वो कितना डिग्री पर रखा जाता है। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 30 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्प्रिंग वॉशर का बाहरी व्यास रखा जाता है, जो स्प्रिंग वॉशर होता है उसका बाहरी व्यास किसके बराबर रखा जाता है? चार ऑप्शन दिए आपके पास स्क्रीन पे। और दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 1.8 × D, ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चेन होस्ट का उपयोग किया जाता है, क्वेश्चन है चेन होस्ट का उपयोग किया जाता है, तीन ऑप्शन दिए इसमें से। तो दोस्तों चेन होस्ट का जो उपयोग होता है वो किसके लिए किया जाता है? यह किया जाता है वर्कशॉप में मशीनों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए जो होता है, जो वहां पे इसका हम प्रयोग करता है, तो इस करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे आपके, डेरिक्स एक प्रकार की स्टेशनरी क्रेन है, भारी मशीनों को उतारने व चढ़ाने के लिए इसका उपयोग करते हैं, गिन पोल डेरिक प्रयोग की जाती है। एक बार क्वेश्चन को मैं और पढ़ता हूँ, डेरिक्स एक प्रकार की स्टेशनरी क्रेन है, भारी मशीनों को उतारने व चढ़ाने के लिए इसका उपयोग करते हैं, गिन पोल डेरिक प्रयोग की जाती है। तीन ऑप्शन दिए आपको यहाँ पे, तो जो आपको पूछा गया है कि गिन पोल डेरिक कहाँ प्रयोग की जाती है? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये, हल्के लोड के लिए जो होता है वहां पे गिन पोल डेरिक प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, जीप क्रेन का उपयोग किया जाता है, जो जीप क्रेन होती है उसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं? चार ऑप्शन दिया है, तीन ऑप्शन यहाँ पे भी दिया आपको कि जीप क्रेन होती है उसका प्रयोग हम कहाँ पे करते हैं। यदि आपने इसका डिटेल पढ़ा होगा तो आपको ये क्वेश्चन बहुत ईजी लगेंगे। तो जीप क्रेन का जो यूज होता है दोस्तों वो किया जाता है लोड को हॉरिजेंटल ले जाने के लिए, लोड को हॉरिजेंटल ले जाने के लिए हम जिस क्रेन का उपयोग करते हैं उसे हम जीप क्रेन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रेवलिंग क्रेन भवन की दीवार के ऊपरी भाग या छत से लटके ट्रैक पर ऑपरेट होती है, इसका प्रयोग खाली स्थान में करते हैं। जो ट्रेवलिंग क्रेन होती है वो भवन की दीवार के ऊपरी भाग या छत से लटके ट्रैक पर ऑपरेट होती है, इसका प्रयोग खाली स्थान में करते हैं। यहाँ पे भी आपको तीन ऑप्शन दिए हैं, राइट आंसर आपको बताना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये, लोड को तीन दिशाओं में ले जाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है गेटरी क्रेन का प्रयोग होती है, गेटरी क्रेन जो होती है वह कहाँ प्रयोग होती है? यहाँ पे भी आपको तीन ऑप्शन दिए हैं और आपको सही आंसर बताना है। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भवन के बाहर, जो गेटरी क्रेन होती है उसका जो प्रयोग करते हैं हम भवन के बाहर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आजकल सड़कों पर खड़े अवैध वाहनों का सड़कों पर खड़े अवैध वाहनों को उठाया जाता है। आपने देखा होगा आप जब ट्रैफिक में होते हैं और आपके सामने ट्रक ट्रक के द्वारा छोटे छोटे वाहनों को उठाया जाता है एक क्रेन की सहायता से। तो क्वेश्चन आपका ये है कि आजकल सड़कों पर खड़े अवैध वाहनों को उठाया जाता है, तो जो अवैध वाहन होते हैं सड़कों पर उसको कौन सी क्रेन की सहायता से हम उठाते हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, ट्रक
माउंटेड क्रेन से। आपने देखा होगा कि ट्रक के ऊपर क्या होती है, एक क्रेन होती है और वो छोटे छोटे वाहनों को उठा लेती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रस्से के स्ट्रैंड को बनाने की विधि कहलाती है। जो रस्से के स्ट्रैंड को बनाने की जो विधि होती है उसे हम कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लेइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रस्से को मोड़ने को कहते हैं। जो रस्से को मोड़ने को जो होते हैं वो क्या कहते हैं। इस क्वेश्चन का जो दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये, बाइट। रस्से को मोड़ने को जो कहते हैं उसे क्या कहते हैं, हम बाइट कहते हैं। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी लग रहे हैं, बट ऐसे ही क्वेश्चन कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछे जाते हैं जो कि हम हमसे समय पर नहीं बन पाते। तो आप ध्यान रखिए, एक छोटी छोटी बात जो है, हम एक एक क्वेश्चन से क्या हो जाते हैं, एग्जाम से जो होती है हम डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। तो बस ध्यान देखिए और एमसीक्यू देखते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रस्से के सिरे को बड़ा करने व स्थाई जोड़ बनाने की विधि को कहते हैं। जो रस्से के सिरे होते हैं उनको बड़ा करने व स्थाई जोड़ बनाने की विधि को क्या कहा जाता है। यहाँ पे भी आपको चार ऑप्शन दिए हैं और आपको उचित आंसर बताना है। इस क्वेश्चन का जो दोस्तों सही आंसर होगा हो जाएगा ऑप्शन सी, क्राउनिंग। उसे हम कहते हैं क्राउनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रस्से के दूसरे भाग से जोड़ने को कहते हैं। जो रस्से के एक भाग के रस्से के दूसरे भाग से जोड़ने को खालिस्तान क्या कहते हैं। चार ऑप्शन यहाँ पे भी दिया है। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा दोस्तों उसे कहते हैं हम नॉट। मतलब रस्से के एक भाग के रस्से के दूसरे भाग से जोड़ने को नॉट कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, फार्क लिफ्ट का उपयोग करते हैं। जो फार्क लिफ्ट होती है उसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं। यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन दिए हैं और आपको इसमें से सही आंसर बताना है। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, लोड को उठाने तथा अलग अलग स्थानों पर छोड़ने के लिए जो होता है वहाँ पे हम फार्क लिफ्ट का उपयोग करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रोबार लीवरेज देता है जिससे भारी लोड को उठाया या हटाया जा सकता है। यह खालिस्तान के बनाए जाते हैं। जो क्रोबार लीवरेज क्रोबार होता है वो क्या देता है, हमें लीवरेज देता है जिससे हम क्या कर सकते हैं, भारी लोड को उठा सकते हैं और या हटा सकते हैं। यह किसके बनाए जाते हैं। चार ऑप्शन दिए आपके पास और आपको इसमें से सही आंसर बताना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ये, यह बनाए जाते हैं हेक्सागोनल स्टील बार के। पढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, चित्र में दर्शाए गए नॉट को कहते हैं। जो चित्र में आपको नॉट दिख रहा है उसे क्या कहते हैं वो आपको बताना है। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डबल हिच नॉट। इसको हम बोलते हैं डबल हिच नॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र में दर्शाए गए नॉट को, यहाँ पे भी एक नॉट दिया है, इस नॉट का भी आपको नाम बताना है कि ये कौन सा नॉट है। दोस्तों इसे कहते हैं हम शिप शेंक नॉट। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र में दर्शाए गए नॉट को कहते हैं। जो चित्र में आपको नॉट दिख रहा है उसका आपको नाम बताना है कि इसे क्या कहते हैं। इस क्वेश्चन का दोस्तों आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ये, इसे कहते हैं हम स्लिप नॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र में दर्शाए गए नॉट को कहते हैं। यहाँ पे और एक नॉट दिया है आपको, बहुत से अलग अलग प्रकार के नॉट होते हैं तो आप उसको ध्यान रखिए। तो ये आपको नॉट बताना है कि जो चित्र में आपको नॉट दिख रहा है उसको कौन सा नॉट कहते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, इसे कहते हैं बोआइन नॉट। ये हमारी जो नॉट दिख रही है उसको हम कौन सी नॉट कहते हैं, बोआइन नॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र में दर्शाए गए नॉट को कहते हैं। ये अलग टाइप की अब हमारे सामने नॉट है। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसे कहते हैं हम स्क्वायर नॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर दिखाई दे। क्वेश्चन है, चित्र में दर्शाई गई चेन होस्ट है। जो चित्र में आपको चैन होस्ट दिख रहा है उस चार ऑप्शन दिए, उसमें से आपको बताना है कि इसमें से यह कौन सी होगी। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों डिफरेंशियल होस्ट। इसको हम कहते हैं डिफरेंशियल होस्ट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें आपको पूछा गया है चित्र में दर्शाई गई चैन होस्ट का। अब आपको इसके पहले जो मैंने दिखाई थी वो एक अलग चैन होस्ट थी, अब ये आपको दिख रही है अलग चैन होस्ट है। तो अब इस चैन होस्ट का आपको नाम बताना है। तो दोस्तों इस चेन होस्ट को हम बोलते हैं कम कोण की चेन होस्ट। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, कम कोण की चेन होस्ट कहते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें आपको पूछा गया है कि चित्र में दर्शाई गई क्रेन का प्रयोग करते हैं। जो चित्र में आपको क्रेन दिखाई दे रही है उसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन का ऑप्शन आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोड को तीन दिशाओं में ले जाने के लिए। लोड को तीन दिशाओं में ले जाने के लिए जो होता है हम इस क्रेन का प्रयोग करते हैं। और आज का आपका अंतिम क्वेश्चन है,
स्क्रू जैक में यांत्रिक लाभ ज्ञात किया जाता है। जो स्क्रू जैक होता है, ये क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है कॉम्पिटिशन एग्जाम में, तो आप इसको नोट जरूर कर लीजिए। स्क्रू जैक में यांत्रिक लाभ ज्ञात किया जाता है। जो स्क्रू जैक होता है उसमें जो यांत्रिक लाभ ज्ञात किया जाता है, किस फार्मूले की सहायता से यांत्रिक लाभ ज्ञात किया जाता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 2πL/pitch। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोग को मेरा यह वीडियो अच्छा लगा होगा, वॉशर और स्प्रिंग के ऊपर। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए। और दोस्तों लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक के कारण ही मैं मोटिवेट होता हूँ और नए नए वीडियो आपके लिए लाता हूँ। फिर से आप लोगों का सभी का धन्यवाद। अभी और नया हम MCQ लेके आएंगे, देखते रहिए स्किल इंडिया ITI चैनल। जय हिंद।